अयोध्या धाम की बदलती तस्वीर सभी देख रहे हैं। त्रेता युग की दिव्य भाव नाभ की अनुभूति एहसास करते हुए देखा है। चारों युगों में राजा राम जी के आने की खुशी में दीपावली और भजन कीर्तन करने के लिए सभी रामा सुंदरम सभी इंतजार कर रहे हैं। दिन हो या रात, सबसे पहले आज सुबह टाइम्स आप देख रहे हैं खास रिपोर्टिंग के साथ, तेज रफ्तार में चलती हुई या खास रिपोर्टिंग। नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। अपना अयोध्या धाम सरजू नदी के किनारे स्थित अवध नगरी या सरजू माता सबको सुंदर और स्वस्थ होने की कामनाओं के साथ साथ हम सभी को प्रभु श्री राम जी के एक एक शब्द संदेश कल कल की हर शब्द हम सभी को बता रही हैं। यह है माँ सरजू नदी के किनारे जो है यह वचन संदेश आज हम सभी को सुनाई दे रहा है। गुप्तार घाट से लेकर राम की पैड़ी बहुत ही खूबसूरत सुशोभित कर रही है और राम की पैड़ी और आज सबरी घाट, लक्ष्मण घाट और अनेक ऐसे घाट प्रत्येक दिन एक घंटा लेजर शो और रामायण प्रभु श्री राम जी के गुणगान खूबसूरती के साथ चलता है। यह है बड़े पर्दे पर और रामायण भक्ति राम जी के संदेश सुनाई दे रही है सभी भक्तों को। वहीं पर आज संपूर्ण भारत जो है राममय हो चुका है और दुनिया में भी सभी राम राम की गुण गाए जा रहे हैं। तो इस वक्त एक घंटा प्रतिदिन जो है राम की पैड़ी पर बड़े पर्दे पर रामायण और राम की गुणगान चलती है। वहीं पर लेजर शो भी चलती है और या दूर दूर से आए हुए प्रभु श्री राम जी के भक्त यहां पर एक घंटा समय देते हैं और एक एक वाणी और वचन सभी सुनकर मन मग्न हो जाता है। गदगद होता हुआ दिल आज सभी को प्रभु श्री राम जी के सुंदर धाम देखकर यह शो बहुत ही सुशोभित कर रहा है। बड़े पर्दे पर एक घंटा प्रतिदिन चलता है और राम भक्त घंटों से देखते हैं। यह बताया जाता है कि 6 बजे से जो है 7 बजे तक यह एक घंटा बड़े पर्दे पर रामायण और प्रभु श्री राम जी के वचन गुनगुन गुनगुन गाते हुए यह देखा जाता है। अयोध्या की चित्र चित्राएँ देखने को लेजर शो द्वारा दिखाई देती है। प्रभु श्री राम जी की रामायण अवध नगरी खूब सुंदरता के साथ आज देखने को मिल रहा है जो दूर दराज से प्रभु श्री राम जी के भक्त यहां पर आकर देखते हैं और कितनी सुशोभित और उनके मन और तन धन सभी खिलखिला उठते हैं, उनके चेहरे चमक जाते हैं। यह है राम की पैड़ी से खास रिपोर्टिंग आज सुबह टाइम्स या लेजर शो के द्वारा आप देख रहे हैं खास रिपोर्टिंग। Thank you.
हर हरेश्वर महादेव राम जन्मभूमि को से दूर दराज के आकर यहाँ पर प्रसाद निःशुल्क भोजन प्राप्त करते हैं। लगभग पर्यटक यहाँ पर कई जगहों के भारी संख्या से आए हुए सभी सैलानी यहाँ पर अमा मंदिर में पवित्र व्यंजन से बना हुआ शुद्ध भोजन बहुत ही सुंदर स्वादिष्ट लाजवाब भोजन मिलता है। बस आपको पवित्र शुद्ध भोजन करने के लिए एक पर्ची भरना है और जितने लोग आए हैं उनका नाम लिखना है। उसके बाद दर्शन करने के लिए आपको अमाव मंदिर में जाएं और भोजन करें और अमाव मंदिर में प्रवेश करने पर उस पर्ची को आपके पर ही जमा कर देना चाहिए। भोजन करने वाले स्थान से आए हुए दूर दराज के सैलानी प्रभु श्री राम जी के भक्त और यहाँ पर बैठे और आपको सभी प्रसाद भोजन परसने वाले आकर आपको भोजन की सेवा मिलेगी। खास रिपोर्टिंग अयोध्या से आज सुबह टाइम्स खबर आप देख रहे हैं। खास रिपोर्टिंग अयोध्या धाम से लालचंद सोनी। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।